फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के काम ऐसे होते हैं ना, दिन भर करो तब भी खत्म नहीं होते हैं। इसके रीज़न ये है कि हम लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते। कई चीज़ें जो काम आ सकती है उसे फेंक देते हैं, या बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं क्योंकि सामान अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जिसे बेकार की चीज़ें को भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। और हाँ, इससे पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और सामान फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडे के बेकार छिलके खाद के भी काम आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। अंडे के छिलके को आप बेकार समझकर ना फेंकें। इस छिलके को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे प्लांट्स के गमले में डाल दें। ये खाद की तरह काम करते हैं। अदरक अगर ज़्यादा आ गया है और इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो इस टिप को फॉलो कीजिए। बार बार डेली मार्केट जाना तो पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए, तो हम लोग ये करते हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं 15 दिन के महीने भर के सामान ले आते हैं। ऐसे में अगर अदरक या लहसुन भी ले आते हैं तो अगर अदरक जो होते हैं वो सूखने लगते हैं, एक हफ्ते बाद थोड़ा सूखने लगते हैं। तो इसको फ्रेश रखने के लिए आप क्या करें, एल्युमिनियम फॉयल में इसे लपेट करके फ्रीज में स्टोर करें। इससे क्या होगा कि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक सही बने रहेंगे। कई बार घर में रखी हुई पुरानी नेल पॉलिश सूख जाती है, फिर वो लगाने लायक रहती नहीं। इसके लिए आप नेल पॉलिश को थोड़ा पानी गर्म करें, फिर नेल पॉलिश की शीशी को हल्के गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद आप उसे लगाएंगे, वो इजीली लग जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। किचन के डस्टबिन को नींबू के छिलके से साफ करें, इससे सफाई भी अच्छे से होगी और बदबू भी नहीं रहेगी। वुडन फर्नीचर जो होते हैं, लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं, या फिर घर के जो वार्डरोब होते हैं, या किचन के जो कैबिनेट होते हैं, तो कभी बहुत पुराने होने पर क्या होते हैं कि थोड़ा पुराने लगने लगते हैं, अपने रंगत खोने लगते हैं। तो इसे साफ़ करने के बाद आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा सरसों के तेल अगर आप इसमें लगा देते हो तो ये साफ भी हो जाएंगे और चमक भी जाएंगे। अगर घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर या फिर चींटियाँ आती है तो इस टिप को फॉलो करें, इससे मक्खियाँ, मच्छर, चींटियाँ चली जाएंगी। जो उपाय है वो बिल्कुल आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए जस्ट नमक चाहिए और पानी चाहिए। नमक और पानी इन दोनों को मिला करके एक स्प्रे वाली बोतल में आप भर दें और फिर ये नमक मिले वाले पानी को उस जगह पर इसका छिड़काव करें जहाँ पर मक्खियाँ आती हैं। जैसे अभी अगर प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहाँ पर डाल दें, किचन में डाल दें, जहाँ पे नाली है या किचन जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह पे डाल दें। बस इतना ही स्प्रे कर दें नमक वाली पानी से, तो इसे मक्खियाँ बिल्कुल ही नहीं आएगी। और गर्मियों में जितना गर्मी से परेशानी नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा मच्छर तंग कर देते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो रात में आ ही जाते हैं, परेशान करते हैं, गर्मी बर्दाश्त हो जाती है लेकिन ये मच्छर नहीं। अगर आप भी कुछ मच्छरों से इतनी बुरी तरह परेशान हैं तो आज मैं एक घरेलू उपाय लेके आई हूँ जिसे बड़े आसानी से मच्छरों से निजात मिल सकता है।
इसे भगाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि लहसुन की कली को मसल कर या मसल लें या फिर आप पेस्ट बना लें। तो मच्छरों को भगाने के लिए कुछ लहसुन की कली लें जिसको मसल लें या फिर पेस्ट बना लें और इसे पानी में उबाल लें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे स्प्रे वाली बोतल में भरकर पूरे कमरे में छिड़क दें। इससे क्या होगा कि कमरे में मौजूद सभी मच्छर भाग जाएंगे। अक्सर नेल पॉलिश लगाते वक्त ये नेल से बाहर निकल जाती है और स्किन पे लग जाती है और छूटने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए जब भी आप नेल पॉलिश लगाएं उस नेल्स के चारों तरफ जो स्किन होती है उसमें या फिर वैसलीन या कोल्ड क्रीम या फिर ऑयल लगा दें, जिससे बाहर निकली हुई नेल पॉलिश आराम से इजीली छूट जाएगी। आटा, बेसन या फिर सूजी, इन सब को ज़्यादा लंबे समय तक अगर स्टोर करना है और ये ख़राब भी ना हो या कीड़े ना लगे इसमें, तो इसका सबसे सिंपल उपाय यही है कि जिस भी डब्बे में आप इसे स्टोर कर रहे हो उस डब्बे में 4 से 5 तेज़पत्ते भी डाल दीजिए। तेज़पत्ते डाल के दन डब्बे को एयरटाइट बंद कर दीजिए, तो इससे आटा और बेसन या फिर सूजी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक सेफ रहेंगे। जब भी हम लोग मसाला पीसते हैं तो मिक्सी जार में क्या होता है, लहसुन या अदरक के गंध आती रहती है, इवन साफ़ करने के बाद भी गंध आती रहती है। तो लहसुन प्याज के मसालों के गंध को दूर करने के लिए क्या करें, जब भी रोटी बनाएं तवे पर जो रोटी बनाएं, तो रोटी बनाने के बाद भी गैस ऑफ करने के बाद भी तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो गर्म तवे पर जस्ट मिक्सी जार को अगर आप इस तरह उल्टा करके रख देते हो कुछ देर के लिए, तो इससे जो लहसुन प्याज के मसालों की जो गंध होती है वो बिल्कुल चली जाएगी। कॉफ़ी को ज़्यादा दिनों तक अगर बॉटल में रखा रहा तो कभी कभी क्या होता है, मॉइस्चर आ जाती है इसमें एंड देन कभी ढीले ढीले भी हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए जस्ट एक पेपर नैपकिन में चावल के कुछ दाने रखें, देन इस पेपर नैपकिन को लपेट कर कॉफ़ी वाले बॉटल में डाल दें, तो इससे मॉइस्चर नहीं आएगा और कॉफ़ी में ढीले नहीं बनेंगे। थर्ड मेथड, जिसे बिना मेहनत किए आप अब जले हुए बर्तन साफ कर सकती हैं, इसके लिए आपको जले हुए बर्तन या तवे को गर्म करना है और उस पर नमक डालकर फैला देना है। जब तवा का जो नमक गर्म हो जाए और उसका कलर हल्का भूरा हो जाए, तब आप इसे चम्मच से तवे को खुरचें, इससे आपके तवे पर जमी हुई कार्बन आसानी से निकल जाएगी। इसके बाद तवे पर अगर दाग रह जाता है तो उस पर नींबू के छिलके से रब करें, और नींबू के छिलके से रगड़ने के बाद फिर आप जिस डिश वॉशर से साफ कर लें, इससे आपका बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा। कई बार क्या होता है कि घर के बहुत ज़रूरी सामान जैसे चाबी हो गया, गॉगल्स हो गया, चश्मा हो गया, तो ये सब कभी खो जा टाइम पर मिलते नहीं, तो अगर फ़ोन खोता है तो उसे रिंग करके तो ढूंढा जा सकता है, बट ऐसे कोई सामान जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे चाबी हो गया, तो उस तरह का जो सामान है और अगर वो अक्सर खो जाता है तो कि कहाँ पर रख दिया, भूल गए, तो उसके लिए क्या करें, जैसे मैंने किया है जो ड्रॉयर होता है आपका किसी भी अलमीरा में, अगर आपको इस तरह का अलमीरा है तो ड्रायर होता है, तो इस तरह का क्लिप लगा के आप उसे वहाँ पे रख सकते हो, इसे बिल्कुल सामने रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।